पकड़ा गया दरिंदा मासूमों के साथ पहले अपहरण, दुष्कर्म और फिर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला साइको किलर हैवान है। मंदिर के बाहर से भंडारों से मासूमों को टारगेट कर अपहरण के बाद दुष्कर्म के बाद मासूमों की बेरहमी से हत्या कर देता था। गुरुग्राम पुलिस की SIT टीम ने मध्य प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया। बीते 11 नवंबर से ही मासूम के अपहरण, दुष्कर्म और बेरहमी से की गई हत्या को अंजाम देने के बाद से वह फरार था। पुलिस ने 20 वर्षीय सुनील को गिरफ्तार किया। सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये वही खतरनाक हैवान है जिसने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 8 के तकरीबन मासूम बच्चियों के अपहरण के बाद दुष्कर्म और फिर उनकी बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ये कहना है गुरुग्राम पुलिस के SIT हेड और DCP क्राइम सुमित कुमार का। दरअसल बीती 11 नवंबर को 3 साल की मासूम का सेक्टर 66 इलाके से अपहरण कर सेक्टर 66 के सुनसान इलाके के कमरे में ले जाकर न केवल पहले दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, वहीं दुष्कर्म के बाद मासूम के साथ पाशविकता को अंजाम देता रहा और मासूम की पटक पटक कर हत्या को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। गुरुग्राम पुलिस के SIT टीम ने अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी 20 वर्षीय सुनील को झांसी के पास से धार्मिक स्थल के पास से गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। दिनांक 12 नवंबर को बादशाहपुर थाने में सुबह सुबह इतला मिली थी कि एक बहुत छोटी बच्ची की डेड बॉडी एक खाली पड़े कोठले में मिली है, जिस पर पुलिस तुरंत वहां पहुंची थी और साथ साथ ये पता लगा कि उसके थोड़ी देर बाद ही ये सूचना भी आ गई कि एक बच्ची कल से पड़ोस की झुग्गियों से गायब है। पुलिस के द्वारा तुरंत मौके पहुंच के जो भी कानूनी कार्रवाई अमल में लानी थी वो अमल में लाई गई और उसे ये पता लगा कि इस बच्ची को दिनांक 11 तारीख को करीब 11:30 बजे इसके पड़ोस में आया हुआ एक युवक वहीं जो स्लम्स है, झुग्गियाँ हैं, वहीं से किडनैप करके ले गया था और उसने इस खाली पड़े निर्जन कोठड़े के अंदर उस बच्ची के साथ ना केवल बलात्कार किया बल्कि उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के उपरांत बच्चे की डेड बॉडी उसके पेरेंट्स के हवाले कर दी गई और दिनांक 12 तारीख से लेकर आज तक गुड़गांव पुलिस कमीशन के द्वारा इस सारे केस में, अगर मैं आपको ये कहूँ कि सारी की सारी गुड़गांव पुलिस इस केस को ट्रेस करने पर लगा दी गई थी तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। पुलिस के द्वारा इसमें हर थाने के अंदर जो भी हमें इनिशियली क्ल्यू मिले थे उनमें से एक क्ल्यू ये था कि जो ये दोषी है, जो कि उस वक्त अपनी बहन के यहाँ झुग्गी में रहने आया था, ये कभी कभी यहाँ आता है और ये मूलतः सड़कों पे रहता है और जो सामाजिक संस्थाएं मंदिरों के बाहर या किसी भी अन्य जगह पे भंडारा वगैरह चलाती हैं जहाँ पे आपको मुफ्त में खाना मिलता है वहाँ पे खाना खाने का आदि है और कभी कभी ये दिहाड़ी मजदूरी कहीं भी कर लेता है। इन्हीं क्ल्यूज पे काम करते हुए गुड़गांव पुलिस के अलग अलग थाने की टीमों के द्वारा करीब 2000 व्यक्तियों को जो रात के वक्त सड़कों पर सोते हैं गुड़गांव पुलिस के द्वारा रात को चेक किया गया। जो भी हमारे पास इनिशियली इसकी पुरानी फोटोग्राफ्स अवेलेबल इसके घर वालों ने करवाई उसके हिसाब से उसको मैच करने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा जितने भी ऐसी लोकेशंस थी वहाँ पे अपने सोर्सेज को डेवलप किया गया और उन्हीं सोर्सेज को डेवलप करते करते हमारे पास फर्दर लीड्स अवेलेबल हुई। उसी फर्दर लीड्स पे काम करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम जिसके इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राजकुमार हैं, इन्होंने और इनकी टीम ने यूपी, मध्य प्रदेश की अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में दबिश दी। उसी कड़ी में काम करते हुए कल यानी 19 तारीख को गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच की सेक्टर 39 स्थित टीम ने इस दोषी को, जिसका नाम सुनील सनोफ हीरालाल एलियास हल्लू है, ये गांव गंज गिरौली डिस्ट्रिक्ट महोबा यूपी का रहने वाला है मूलतः, इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इसको कल गिरफ्तार करने उपरांत आज जब इसे पूछताछ की गई है तो पूछताछ में काफी सनसनीखेज खुलासे इसके द्वारा किए गए जिसमें से इसने बताया कि करीब पिछले 2 साल से ये इस तरह की अलग अलग काफी वारदातों को अंजाम दे चुका है जिसमें ये किसी भी मंदिर के बाहर से, चाहे वो हनुमान मंदिर हो, चाहे शिरडी मंदिर हो, या कहीं भी ऐसे भंडारे पे जहाँ पे छोटे बच्चे प्रसाद लेने आते हैं और वो अनअटेंडेड होते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं होते, ये वहाँ से किसी भी छोटी बच्ची को किडनैप कर लेता था और उसके बाद उसकी रेप के बाद उसकी हत्या कर देता था। अभी तक इसने जिस मामले में उसको गिरफ्तार किया गया है इसके अलावा गुड़गांव में ही नवंबर 2016 और जनवरी 2017 में हुई
दो वारदातों में इसने अपना जुर्म कबूला है, जिसमें इसने निशानदेही कराई है जहां से इसने उन बच्चों को, एक को सिविल रोड लाइन रोड स्थित पीर बाबा की मजार के सामने जो बच्चे वहां प्रसाद के लिए इकट्ठे हुए थे उसको इसने किडनैप किया था, और दूसरी को सोना रोड स्थित शिरडी मंदिर के सामने से किडनैप किया था, और उसके बाद उसकी रेप के उपरांत ओमेक्स मॉल के पीछे हत्या करके बॉडी को इसने डंप कर दिया था। इसी तरह से जो पीर बाबा से जो इसने की मजार से जो बच्ची को किडनैप किया था उसकी डेड बॉडी पुलिस के द्वारा करीब 20 दिनों बाद राजीव चौक स्थित एक सीवेज के अंदर से मिली थी। ये दोनों केस काफी मेहनत के बाद एंट्रेस थे, लेकिन इस केस में पुलिस के पास क्ल्यू मिला, और क्ल्यू मिलने के बाद हमने ना केवल अपने गुड़गांव के सोर्सेस को बल्कि कंट्री वाइड जो गुड़गांव पुलिस के सोर्सेस हैं उन सबको इसमें एक्टिवेट किया। कमिश्नर पुलिस गुड़गांव के द्वारा व्यक्तिगत तौर पे सारी टीमों से रोजाना इसमें बातचीत हुई है, सारी टीमों को डेली मोटिवेट किया गया है और डेली डायरेक्शन दी गई है। उसी के तहत ये काफी बड़ी सफलता पुलिस के हाथ मिली है। हालांकि ये बहुत काफी जघन्य घटनाओं को अंजाम दे चुका है, लेकिन फिर भी इस बात की संतुष्टि है कि इस तरह की वारदातों में एक इस तरह के अपराधी से आगे अंकुश लगाने में पुलिस सक्षम रहेगी। इसने अभी तक जो गुड़गांव पुलिस की 3 वारदातों को कन्फेस किया है, उसके अलावा इसने अपने कन्फेशन में और कुछ जुर्म कबूले हैं, जिसमें से कुछ जुर्म दिल्ली के हैं, एक ग्वालियर का है, एक झांसी का है। ये क्योंकि अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हुई है, तो इन सभी के बारे में पुलिस कंसर्न पुलिस स्टेशन से वेरीफाई कर रही है, इसका पुलिस रिकॉर्ड भी अभी वेरीफाई किया जाना बाकी है। इन सारी घटनाओं को, इन सारे तथ्य को एक बार जोड़ के इन सभी घटनाओं को वेरीफाई किया जाएगा, सभी मौकों की निशानदेही कराई जाएगी, उनकी FIR वहां से हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बाद वहां की जिस भी पुलिस स्टेशन की घटना है उनके साथ ही शेयर की जाएगी। थैंक यू।